नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 8 का विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 4 दीवानों की अस्थि, जिसमें मैंने दो भाग कविता के पढ़ा दिए थे, आज तीसरा भाग है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित। तो भगवती चरण वर्मा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कविता के दोनों भागों में यही था कि भगवती चरण वर्मा जो है वो हमेशा मौज मस्ती में रहकर और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और लोगों को भी इसी प्रकार से उत्साहित करते रहते हैं। तो उसी प्रकार तीसरे भाग में भी यही बताया गया है। तो इसमें भगवती चरण वर्मा ने कहा, क्या कहा है कि हम भिकमंगों की दुनिया में, यानी हम भिकमंगों की दुनिया, दुनिया में भिकमंगे का मतलब क्या होता है, जो भीख मांगता है। भिकमंगों का मतलब है जो भीख मांगता है, जो दूसरों से कुछ प्राप्त करता है। कि हम भिकमंगों की दुनिया में, इस दुनिया के अंदर ऐसे भी भिकमंगे होते हैं। यहाँ पर जो उपमा दी है भिकमंगों की कवि ने, किस रूप में दी है कि हम भिकमंगों की दुनिया में, इस दुनिया के अंदर जितने भी भिकमंगे हैं, भिकमंगों का मतलब यहाँ पर यह है कि इस दुनिया में जो हमेशा लोगों को या दूसरों को कुछ देता नहीं है और ना ही किसी से प्रेम करता है, ना ही किसी के साथ व्यवहार रखता है, अपने में ही सीमित रहता है, तो उस प्रकार के भिकमंगे, यानी मन के अंदर, उसके अंदर क्या है, मन बिल्कुल ही खाली होता है, यानी मन उसका भीख लायक होता है, यानी भिकमंगा के रूप में इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कि इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को कुछ देते नहीं हैं और अपना ही कुछ प्राप्त करते रहते हैं, यानी दूसरों की खुशियों में साथ में नहीं रहते हैं, यानी दूसरों को खुशियां नहीं बांट सकते हैं, ऐसे भी इस दुनिया के में लोग रहते हैं, तो उनको भिकमंगे कहा है कवि ने। तो हम भिकमंगों की दुनिया में, इस दुनिया के अंदर ऐसे भी भिकमंगे हैं जिसके बीच में जाकर स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, और उनके बीच में जाकर हम क्या करते हैं, कवि कहते हैं कि हम उन भिकमंगों के बीच में जाकर, भिकमंगों की दुनिया में जाकर स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, और हम स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद, यानी अपनी मर्जी से स्वच्छंद लुटाकर एकदम स्वतंत्र रूप से हम उनको भी खुशियों से भर देते हैं, उन पर भी हम, उनसे भी हम प्रेम करते हैं। अगला देखो, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बाहर चले, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुशियां बांटते हुए चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक असफलता आ जाती है, तो उस असफलता की निशानी को भी हम अपने हृदय पर लेकर चलते हैं, यानी मन में धारण किए हुए और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। कि हम एक निशानी सी उर पर मतलब हृदय में, मन के अंदर, कि हम ऐसी भी एक निशानी लेकर चलते हैं जिसमें हम कभी भी लोगों को खुशियां बांटते हुए कुछ असफलता भी हमें मिलती है, और उस असफलता की निशानी को भी हम अपने मन के अंदर धारण करके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो असफलता का बाहर चले, तो इस प्रकार से इसमें यही बताया है कि जो आजकल दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो अपना तो कुछ देना जानते नहीं हैं, दूसरों से लेना जानते हैं, तो ऐसे भिकमंगों को कवि ने बताया है कि दूसरों से वो प्रेम नहीं करते हैं, दूसरों की खुशियों के साथ में नहीं रहते हैं, दूसरों का उत्साहित नहीं करते हैं, मौज मस्ती में रहकर आगे नहीं बढ़ते हैं, हमेशा अपने तक ही सीमित रहते हैं, तो इस प्रकार के भिकमंगे दुनिया के अंदर भी अभी भी मौजूद हैं। आगे देखो, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या। अब कवि कहता है कि अपना और पराया में कोई भी मन के अंदर भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है ये तेरा है, ऐसी भावनाएं
नहीं होनी चाहिए। ये कवि कहना कहना चाहता है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। यानी जो इस प्रकार की भावनाओं को रखते हैं कि ये मेरा ये तेरा, तो इस प्रकार के लोग भी आबाद रहें, यानी उस स्थिति में भी वो रुके हुए हैं कि वो मेरा है ये तेरा है। यानी अपना तेरे की भावनाएं जिसके अंदर होती है, उनको भी कवि ने कहा क्या कहा है कि वो भी आबाद रहें, यानी उसी पर रुके हुए हैं, अपना तेरी पर ही रुके हुए हैं। उनके अंदर जो मन की भावना है अपना तेरी की, उनको भी कवि ने क्या कहा है कि वो भी आबाद रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, अपने जीवन को चलाते रहें। तो अपना और पराया ऐसा भेद मन के अंदर कभी कहते हैं हम कभी नहीं रखते हैं। और जो भी अपना और पराया का जो मन का भाव रखता है, मन में भाव रखता है, वो उनको भी कभी ने क्या कहा है कि आबाद रहो और खुश रहो। आगे क्या कहता है देखो, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी हम भी इसी प्रकार से इस दुनिया के अंदर हमारा भी जीवन इस प्रकार से बंधा हुआ था, हम स्वयं बंधे थे। यानी हम भी कभी कहते हैं कि हम भी इस दुनिया के अंदर इस प्रकार के जीवन में बंधे हुए थे, अपना तेरी की भावनाएं हमारे अंदर भी थी, लेकिन हमने भी उसको तोड़ दिया। यानी हमने इस प्रकार की भावनाएं अपना तेरी की भावनाओं को हमने अपने मन से निकाल दिया और हमेशा लोगों के बीच में जाकर खुशियाँ और उनके अंदर मौज मस्ती का आलम बिखेरा। यानी उनको भी उनके मन के अंदर भी एक उजाला प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से हम स्वयं बंधे थे, यानी इस प्रकार के भावनाओं में हम भी बंधन में थे, लेकिन अब हमने उन बंधनों को तोड़ दिया, हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इस प्रकार कवि ने ये बताया है कि हम स्वयं भी इस प्रकार अपना पराया की भावनाएं हमारे जीवन में भी आई थी, लेकिन बाद में हमने भी इस पर सभी बंधनों को तोड़ दिया, यानी अपना तेरा ये सब मन के अंदर से निकाल दिए और लोगों के अंदर जीवन के अंदर जो उत्साह है, जो खुशी है, उसको बढ़ने का काम हमने किया है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए। तो इस प्रकार ये कवि ने, भगवती चरण वर्मा ने इस पंक्ति के माध्यम से ये बताया है कि लोगों को कभी भी दूसरों के हितों के बारे में सोचना चाहिए, और लोगों के जो लोग व्यथित हैं, वेदना से पीड़ित हैं, तो उनकी भी हमें उनके अंदर भी हमें जीवन में खुशियां लानी चाहिए, उनके अंदर उमंग बननी चाहिए, उत्साह उमंग बननी चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवन को खुश में जी सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया है कवि ने कि हम जब भी जहाँ भी जाते हैं और हम प्रेम को लुटाते चले जाते हैं, और असफलता भी हमारे ऊपर कभी कभी आ जाती है, तो उस असफलता को भी हम अपने मन के अंदर धारण किए हुए आगे बढ़ते रहते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, और अपना पराया का कोई भी भेद हम अपने अंदर नहीं रखते हैं, और लोगों को भी अपना पराये की भावनाएं मन से निकाल देनी चाहिए। और जो अपना पराया का भेद रखते हैं मन के अंदर, मन में इस प्रकार की भावना होती है, उनको भी कवि ने यही बताया कि आप भी आबाद रहिए। हम स्वयं बंधे थे, यानी हम स्वयं इस प्रकार की भावनाओं से जकड़े हुए थे इस दुनिया के अंदर, लेकिन उसको हमने अपने मन से बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार तुम भी जिनके अंदर ये अपना पराया की भावनाएं होती हैं, तुम भी उस अपना पराया की भावनाओं को बाहर निकाल कर लोगों के अंदर खुशियां बांटने का काम करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पंक्ति कवि ने लिखी है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। और आज के वीडियो में आपका अध्याय 4 दीवानों की हस्ती यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।